ममता के किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं ओरियो मिल्कशेक। ये बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत ही टेस्टी होता है। तो आइए देखें हमें इसके लिए क्या क्या सामान चाहिए। हमने इसके लिए 1 कप दूध लिया है, चॉकलेट सिरप लिया है, 7 से 8 हमने ओरियो के बिस्किट लिए हैं और हमने 1 कप वनीला आइसक्रीम ली है। चलिए आइए देखें हम इसको किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले हम एक जार ले लेंगे और इसके अंदर हम बिस्किट को डाल देंगे। पहले हम बिस्किट क्रश कर लेंगे। इसका हम कुछ पाउडर निकाल लेंगे। इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे थोड़ा सा। अब हम इसके अंदर 1 कप दूध डालेंगे, साथ में हम आधी वनीला आइसक्रीम डाल देंगे। आप चाहें तो कोई सी भी आइसक्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1 से 1.5 चम्मच हम चॉकलेट सिरप डालेंगे इसके अंदर। शेक हमारा बन गया है। सबसे पहले हम एक गिलास ले लेंगे और इसके चॉकलेट सिरप से हम हल्की सी ड्रेसिंग कर लेंगे, जिससे जब हम इसमें शेक डालेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अब हम इसके अंदर शेक डाल देंगे जो हमने बनाया है। इसके साथ जो हमने आधी अपनी आइसक्रीम बचा के रखी थी अब हम इसके अंदर वो डालेंगे। और जो बिस्किट हमने क्रश करके रखे थे वो भी हम इसके ऊपर डालेंगे। आपने देखा होगा ओरियो मिल्कशेक बहुत जल्दी बन गया है। ये बच्चों को बहुत पसंद आता है। आप इसको घर में ट्राई ज़रूर करिए। अगर आपको मेरा बनाया हुआ शेक अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स देना ना भूलिए। नमस्कार।